हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो यकीन मानिए इस वीडियो में आप लोगों के लिए कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मौजूद है। नमस्ते, मैं हूँ शैफ्या, आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका आने वाला वीक कैसा होने वाला है, क्या लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए आने वाला वीक, एंड क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एंड साथ ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है आने वाले वीक के लिए। ओके, एंड मेरी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत थैंक यू, आई लव यू ऑल। और जो भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू मैं करना चाहती हूँ। ओके, एंड आज थोड़ा सा न्यू सेटअप है मेरे पास, तो आपको कैसा लग रहा है ये सेटअप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड हमारे पास आज कैट स्प्रेड भी है, क्योंकि कैट स्प्रेड के साथ आजकल मैं बहुत काम कर रही हूँ, तो कैट स्प्रेड भी आज हमारे साथ हैं आज की रीडिंग के लिए। एंड जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो आपका ढेर सारा स्वागत है मेरे चैनल पर। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा ये वीडियो। एंड अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है seekerofthedefinedtruth@gmail.com, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है seekerofthedivinetruth, एंड सभी इन्फॉर्मेशन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और आज की रीडिंग आप अपने जोडियक साइन के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं। आपका जो भी साइन है, मून साइन, सन साइन या नॉर्थ नोड, आप किसी के हिसाब से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। आप सभी साइंस के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन विद योर रीडिंग। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों की राशि एरीज राशि है तो देख लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले लोगों के लिए आने वाला वीक क्या लेकर आ रहा है, मेष राशि के लिए नेक्स्ट वीक क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। काफ़ी सुलझे हुए लोग रहेंगे, आप लोगों के मन में कोई ऐसी उलझन नहीं देख रही हूँ मैं। काफ़ी ऑर्गेनाइज रहेगा आपके आने वाला वीक, और काफ़ी हिसाब से आप लोग काम करेंगे। ओके, अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके, चीज़ों को एनालाइज करके आप लोग इस हिसाब से अपना काम करने वाले हैं। मेष राशि के लिए नेक्स्ट वीक क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू सो मच। वाओ, मेष राशि, आपके लिए लास्ट वीक भी बहुत ही बढ़िया था, आपकी लास्ट वीक की रीडिंग भी बहुत ही अच्छी आ रही थी। वाओ, 10 of cups। ओके, तो यहाँ पर मैं बैंड बाजा बारात देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए, एंड वी हैव 10 of pentacles। वाओ, इतनी खूबसूरत एनर्जी, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी, 10 of pentacles, 10-10 की एनर्जी यहाँ पर आई है। हो सकता है आपको 10-10 एंजल नंबर नज़र आ रहा हो इन दिनों, एंड यहाँ पर कंफर्मेशन है स्पिरिट की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, भगवान ईश्वर जिनको भी आप मानते हैं उनकी तरफ से कंफर्मेशन है कि आपको अपने रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, आपको अपने यहाँ पर बहुत ही अच्छा फल मिलने वाला है। एंड साथ ही आपके लिए सब कुछ अलाइन कर रहे हैं यूनिवर्स, डिवाइन प्लान का डिवाइन टाइमिंग आप लोगों के लिए यहाँ पर आ गया है। कुछ न्यू बिगनिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं, कोई नई शुरुआत आपके जीवन में, आपकी फैमिली लाइफ में। मैं इतना सुकून महसूस कर रही हूँ आपकी एनर्जी में, बहुत ही अच्छी सुकून भरी एनर्जी, वाइब्रेशंस मुझे नज़र आ रही हैं। 7 of wands, यहाँ पर कोई 7 of wands की वजह से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने कर्मों को यहाँ पर बना रहे हैं, अपनी किस्मत को यहाँ लिख रहे हैं अपने कर्मों से। एंड बहुत ही मेहनत रहने वाली है, बहुत ही मेहनती लोग आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, और मेहनत करेंगे और अब सफलता भी पाने वाले हैं आप लोग। एंड बहुत ही सुंदर वीक रहने वाला है आपकी पर्सनल लाइफ के लिहाज से, एंड करियर लाइफ में आपकी मेहनत बनी रहेगी, साथ ही उसके साथ ही विक्ट्री भी है आप लोगों के लिए यहाँ पर करियर लाइफ में। ओके, एंड यहाँ पर देखिए 6, 7, 8, एंड वी हैव 10-10 एनर्जी हेयर, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी सक्सेस विक्ट्री आने वाली है इस वीक नहीं तो आने वाले वीक में। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सक्सेस आने वाली है इन योर करियर लाइफ में। देख रही हूँ कि आप लोग थोड़ा सा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट को फेस कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को फेस कर सकते हैं। जो लोग भी स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा और बहुत ही हार्ड वर्क आप लोग करने वाले हैं आने वाले वीक में।
और ये हार्डवर्क आपको खुशी देगा। ओके, यहाँ पर आप लोग इमोशनल और अपनी इमोशनल और मेंटल एबिलिटी को साथ में अलाइन कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे। एंड यस, आप लोग इमोशनल और अपनी और साथ ही अपने माइंड बॉडी स्पिरिट को भी यहाँ पर बैलेंस कर पाएंगे। दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। ओके, दिल और दिमाग दोनों से ही आप लोग संतुष्ट संतुष्ट वर्ड यहाँ पर चैनल हो रहा है, कि सैटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है किसी ना किसी तरह का। ओके, एंड यहाँ पर देख रही हूँ मैं कि काफ़ी सारी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट आप लोगों के लिए हो सकती है, आपको दी जाएगी। या तो बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास जो आपके कंपटीशन में हैं, या फिर आपके कुछ ना कुछ यहाँ पर चैलेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं आपके जीवन में, पर उन चैलेंजेस पे मेहनत करके आप लोग एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, सारे चैलेंजेस को आप लोग पीछे छोड़ रहे हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जीज आई है, बहुत ही मोटिवेशनल एनर्जीज आई हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर दूसरे लोगों को मोटिवेट करने का मौका मिल सकता है। ओके, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आप लोगों को यहाँ पर काम करने का मौका मिल सकता है। कोई स्टेज यहाँ पर परफॉर्मेंस मुझे दिख रही है, स्टेज परफॉर्मेंस होने वाली है, और आप लोगों को किसी तरह से यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है। हो सकता है आपको अपने एग्ज़ाम्स का रिजल्ट यहाँ पर मिल जाए और बहुत ही अच्छे आपके नंबर आए, आप क्वालिफाई हो गए, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, एंड यहाँ पर आपको सक्सेस की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है आपकी कम्युनिटी में। साथ ही कोई लीडरशिप पोजिशन मैं देख रही हूँ यहाँ पर विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई लीडरशिप पोजिशन आ रही है, प्रमोशन आ रहा है, करियर में बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपका टाइम। एंड यस, आप लोग मेहनत भी बहुत करने वाले हैं उसको अचीव करने के लिए। साथ ही लव लाइफ की मैं बात करूँ तो लव लाइफ के लिहाज से बहुत बहुत ब्यूटीफुल टाइम है गाइस। जो लोग भी यहाँ पर सिंगल हैं उन लोगों के लिए यहाँ सोलमेट रिलेशनशिप आ रही है, सोलमेट मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप लोगों के आते हुए। एंड जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उन लोगों की यहाँ पर बहुत ही अच्छे से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं आप लोग अपने फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। एंड दिलो दिमाग के साथ आप संतुष्ट रहेंगे। यस, आपकी फैमिली पूरी तरह से आपको यहाँ सपोर्ट कर रही है और आपका साथ दे रही है आपकी हर चीज़ में, आपकी सक्सेस में आपके साथ हैं आपकी फैमिली। एंड यहाँ पर बहुत ही खुशी वाली एनर्जी मैं फील कर रही हूँ। एंड यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट यहाँ पर दे सकते हैं और आपकी शादी वगैरह फिक्स हो सकती है। एंड आपके पेरेंट्स यहाँ पर मान सकते हैं। ओके, आप अपने पार्टनर को अपने पेरेंट्स से मिलवा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अरेंज मैरिजेस का रिश्ता भी आ रहा है, जो कि सक्सेसफुल रिलेशनशिप में बदलने वाला है। ओके, हाँ, मैं शादी बच्चे देख रही हूँ, बहुत ही अच्छी एनर्जीज मैं फील कर रही हूँ। साथ ही आप लोग अपने फैमिली के साथ कहीं वेकेशन पर जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ वेकेशन मनाने भी जा सकते हैं, हॉलीडे पर जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। ओके, साथ ही मुझे लगता है कि आप लोग बहुत खुश रहने वाले हैं। साथ ही आपके जो फादर फिगर हैं वो आपकी लाइफ में एक मेजर रोल अदा कर सकते हैं। ओके, मेजर भूमिका यहाँ पर अदा कर सकते हैं और आपकी लाइफ में यहाँ पर आपके फादर के साथ आपका अटैचमेंट और बढ़ रहा है। आपके फादर यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके फादर नहीं तो कोई आपके एल्डर मेल पर्सन है यहाँ पर जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर कोई ब्रदर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, या फादर रिलेटेड कोई फिगर हो सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। मेष राशि एनर्जीज तो बहुत ब्यूटीफुल हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या है, एरीज राशि के लिए गाइडेंस क्या आ रही है फॉर द नेक्स्ट वीक। थैंक यू। किस तरह से ये कार्ड्स आए हैं। ओके, प्रीस्ट जस्ट हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड, यहाँ पर भी लीडरशिप की ही बात हो रही है कि अपने आप को एक लीडर के रूप में पहचानिए। जो लोग भी सोचते हैं कि मैं ये नहीं डिजर्व करता हूँ, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, यहाँ पर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मुझे फल नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर एक कमी है आप लोगों में कि आप लोग खुद को एज अ लीडर नहीं देख रहे हैं, सक्सेसफुल पर्सन के रूप में नहीं देख रहे हैं। ओके, तो अपने आप को एक लीडर के रूप में देखना शुरू कीजिए। साथ ही यहाँ पर मेंटेकन की एनर्जी है। जो लोग भी यहाँ पर अकेला महसूस करते हैं तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है आप अकेले नहीं हैं। एंड यहाँ पर आपको अकेले बैठ कर मेडिटेशन करने के लिए भी यहाँ कहा जा रहा है। ओके, आप लोग अकेले नहीं हैं, आपकी फैमिली आपके साथ है। यहाँ पर हो सकता है आप लोग लाइट वर्कर्स हो, लाइट वर्कर्स की एनर्जी हो और स्टार सीड की एनर्जी में भी होंगे कुछ लोग यहाँ। एंड देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है मेष राशि के लिए। ललिता त्रिपुरा सुंदरी, यहाँ पर आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। सेल्फ केयर करिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए। ओके, आराम से आप लोगों को अच्छे से यहाँ पर अपनी अपीयरेंस बनानी है। अगर आप लोग अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, खाना पीना अच्छा नहीं खा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छा
अच्छे से अपना टेक केयर करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, अपना ध्यान रखिए। आप दूसरों का तो बहुत ध्यान रख रहे हैं बट अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं आप लोगों के, तो यहाँ पर आपसे अपना ही ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। आपके फिजिकल बॉडी और मेंटल हेल्थ का यहाँ आपको ध्यान रखना है। ओके, मेष राशि के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू सर। ऐसे कार्ड थोड़े से बड़े हैं। ओके, तो शफल करने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। थैंक यू, थैंक यू। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेष राशि को? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वी हैव फॉल्स ईगो। यहाँ पर आपको अपने ईगो से आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है इतनी सफलता देख के, इतनी अबंडेंस देख के आपके अंदर ईगो आ सकता है, तो यहाँ पर अपने ईगो से आगे बढ़िए, क्योंकि आपको यहाँ समझना है कि सब कुछ यहाँ टेम्प्ररी है। ओके, एंड यहाँ पर एक और मैसेज है, जो लोग आपके सामने ईगो शो कर रहे हैं तो उनको कहने दीजिए जो वो कहते हैं, क्योंकि ये सब टेम्प्ररी है, ये सब मोह माया है, आप जानते हैं। वी विल डू स्पिरिट सोल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर थिंक देमसेल्व्स टू बी द डूअर ऑफ एक्टिविटीज विच आर इन एक्चुअलिटी कैरिड आउट बाई नेचर। जो भी हो रहा है वो नेचर के हिसाब से हो रहा है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था ये सब डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। ओके, ये सब नेचर ही कर रही है, हम क्या सोचते हैं वो भी सब नेचर का ही प्लान है। ओके, इसमें आपका एक छोटा सा रोल है बस, जो भी मटेरियल वर्ल्ड है उससे आपको ज़्यादा अटैच नहीं रहना है। सो यस गाइस, ये थे आप लोगों के लिए आने वाले वीक की गाइडेंस। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी आज की रीडिंग से। अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। और वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।